मैं दूसरा पेन लेके आता हूँ। एक मिनट, मैं जरा देखता हूँ ये पेन काम कर रहा है कि नहीं। मैं देख लेता हूं ये। हाँ ये चल रहा है, चल रहे। तुम ये क्या कर रही हो आभा? वही जो हमें पहले करना चाहिए था। आपकी शादी जिससे हो रही है उसकी और उसकी पहले पत्नी के हाथ हमारी माँ के खून से रंगे हुए हैं दीदी। सब हमारी जिंदगी में एक खुशी आई है और तुम अपनी बहन की खुशी से जल रही हो दीदी। ये सही कह रहे हैं आप भाई। और यह है सबूत। यही सच है। कोयल और देव आपके गुनेगार हैं। ये दोनों हमारे पूरे परिवार के गुनेगार हैं। ये दोनों हमारी मां की कातिल हैं। पहचानता नहीं उसे।
आभा जी के माँ का ही है ना। पागलपन बंद करो। गलती मेरी है, ये थप्पड़ तुम्हें पहले मारना चाहिए था, पर तुम्हारी हिम्मत नहीं होती ये सब करने की। लेकिन इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। पुलिस को बुलाओ। आप बुलाइए पुलिस। अट्टू, पुलिस की भाषा ही समझेगा ये देवशीष मुखर्जी या अस्मित कपूर? पता सच के बता, बता। मैं देवशीष मुखर्जी ने अस्मित कपूर हूँ। और तन्वी हमारी बेटी। अपने बहन के हर पाप का प्रायश्चित मैं करूंगा। लता के साथ जबरदस्ती करके विमल पे इल्जाम डालने का प्लान। तुमने मेरी जिंदगी पर इतनी घटिया कत्ल करने की तुमने सोची भी कैसे? ससुराल और मायके के बीच पिस्ती रहे और लता के साथ मेरी शादी हो जाने के बाद उसकी खुशी की कीमत के बदले में हम आभा और करण से जितने चाहे पैसे मांग सके और जो चाहे वो बात मनवा सके। लेकिन पता नहीं कैसे माँ जी को हम पे शक हो गया। पीछे ही पड़ गई हमारी, इसलिए उन्हें
हवलदार ले जाओ इसे। और इन्हें भी। मुझे तुम निकाल लो, लेकिन लता, लता से शादी कौन करेगा, कौन अपनाएगा? अरेस्ट था। चलिए मैडम। पिताजी, पिताजी ठाकुर साहब, क्या हुआ पिताजी? चंद्रप्रभा का सपना अधूरा रह गया, अपनी बेटी की शादी का। एक बार फिर हमने गलती कर दी, लता के लिए वर चुनने में। क्या जवाब देते हम चंद्रप्रभा को? अगर ये अनहोनी हो जाती, सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। जिस मां ने मुझे जन्म दिया, उसी की मौत का कारण बन गया। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। आप क्या करिए? मैं इतनी बदकिस्मत हूं कि अपने साथ साथ अपने परिवार वालों के दुखों का कारण भी बन गई हूं। अपनी मां की मौत का कारण बन गई। नहीं जीना मुझे, नहीं जीना मुझे। किसी को खुशी दे सकती हूं और ना मुझे खुशी मिल सकती है। नहीं दीदी, नहीं। संभालिए अपने आप को। हम है ना। अरे कैसे संभालेंगे अपने आप को? वो राज बाबू, आपकी बहन ने तो हमारी बेचारी लता की जिंदगी में खुशी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। जिंदगी भर कोई खुशी नहीं मिलने वाली। मिलेगी। लता जी को उनके हिस्से की सारी खुशियां मिलेगी। मैं उन्हें दूंगा। अपने बहन के हर पाप का प्रायश्चित मैं करूंगा। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपका हाथ थामने के लिए तैयार हूं। आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपका हाथ थामने के लिए तैयार हूं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनोहरि। जानता हूं कि मेरी बहन की वजह से आपको जो तकलीफ हुई है, लेकिन आप सब मेरा यकीन मानिए, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ मेरे बहन के प्यार के मोह में किया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। आपको जो भी दुख मिला है, जो भी आपको सहना पड़ा है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उससे ज्यादा खुशियां दे दूं।
जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी सच्चाई साबित करने के लिए मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं है, लेकिन अगर मेरी बातों पर जरा भी विश्वास हो तो मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए ठाकुर साहब, एक मौका। ये मैं आप पर और लता जी पर छोड़ता हूं। पिताजी, पिताजी राज ने जो कुछ भी किया अपनी बहन के अंधे प्यार में किया। और हो सकता है राज की जगह कोई भी भाई होता तो वो यही करता। और सच बात तो यह है कि पिछले दिनों में हमें जब भी जरूरत पड़ी है राज कभी पीछे नहीं हटा। आगे जो करना है वो आप लोगों की मर्जी। हम भी करण की बात से सहमत है पिताजी। हमारा दिल कह रहा है पिताजी राज जी दीदी को बहुत खुश रखेंगे। बहुत अच्छे इंसान है राज जी। शायद किस्मत को यही मंजूर था। माँ की आखिरी इच्छा थी आपकी सही इंसान के साथ शादी हो, आप खुश रहें। दीदी, हम आपके दिल की हालत समझ सकते हैं, पर हमारा विश्वास कीजिए राज जी आपको बहुत खुश रखेंगे। और इस बार तो किस्मत ने भी आपका साथ दिया है, इसीलिए तो ऐन मौके पर हमें कोयल और देव की सच्चाई का पता चल गया। दीदी, अब जो भी होगा अच्छा होगा। हम सबको आपके जवाब का इंतजार है। जी, मैंने आपके परिवार को आपके लिए आंसू बहाते देखा है। मैं हमेशा उस इंसान को कोसता रहूंगा जिसने आपके साथ ऐसा सलूक किया था, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस पाप में मैं भी हिस्सेदार बन जाऊंगा। मैं आपको फैसला लेने में मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है। हो सके तो आपने सारे दुख मुझे दे दो। बेटा, हम तुमसे जबरदस्ती कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमें ये रिश्ता मंजूर है। आखिरी फैसला तुम्हारा होगा।